एक्शन और ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है जितना अभी आया है एंड ट्रेलर ट्रेंडिंग में है, तो आप बताइए कि क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा रहा, द जर्नी हैज़ बीन नाइस। ये फिल्म करते हुए बहुत अच्छा लगा, द डायरेक्टर इज़ वेरी गुड, अपने करण कपाड़िया ही इज़ वेरी गुड, एंड बस यही उम्मीद रखते हैं कि लोगों को पसंद आए जैसे हमारा ट्रेलर पसंद आया। उससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं चाहता हूँ प्रोड्यूसर का गला खोल दूँ। नहीं, मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ तम सर, तो नहीं हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सनी सर ने बहुत सपोर्ट किया हमें, हमारी फिल्म इजी बनी, और आप फिल्म देखिए, फिल्म देखिए मज़ा आएगा। मैं क्या बोलूँ, सर सर खड़े हैं सामने। आई थिंक इट्स जैसा इट्स गोइंग अलॉन्ग विद द ट्रेंड, जैसी चीज़ें जैसा देश चल रहा है, जैसी चीज़ें बदल रही हैं, द वे द यंगस्टर्स आर कमिंग अप, हाउ दे आर लुकिंग एट द वर्ल्ड, एंड आई थिंक इट्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। डेफिनेटली अच्छा सिनेमा हो रहा है, वेरी नाइस। सर इन दिनों हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे नए एक्टर आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा भी कर रहे हैं, आप अगर किसी से इंस्पायर्ड हैं आप लोग सवाल अच्छे पूछा करिए, आप लोगों का सवाल में कुछ होता नहीं तो मेरे को समझ में सोचने लग जाता हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ, यू नो फिर जवाब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बस यही कहूँगा कि ये हमारी फिल्म है, थर्ड मई को लगने वाली है, काइंडली गो एंड वॉच इट, एंड फ्रॉम द न्यू कमर डेफिनेटली करण कपाड़िया हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, एंड द होल फिल्म इज़ रियली ऑन हिज शोल्डर्स, आई एम देयर अलॉन्ग विद हिम, एंड इट्स जैसे हम चाह रहे हैं कि देयर शुड बी सम थ्रिलर एन एक्शन, वो सब आपको मिलेगा जैसे आपने ट्रेलर देखा है, एंड विश अस लक। देखिए ये फिल्म फिलहाल हम इसी की बात कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट हम यहाँ रैप अप पार्टी उसके लिए आए हैं, वी ऑल वेरी हैप्पी एंड इट्स नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू ऑल, एंड बस यही चाहेंगे कि आप डू योर बेस्ट सो दैट एवरीबडी नोज अबाउट ब्लैंक। किसके बारे में? मैं अभी सिर्फ एंटर हुआ हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाहर अंदर जाके देखूंगा, आई एम श्योर इट्स गोना बी अ नाइस, इट्स डेफिनेटली अ नाइस प्लेस, सो एंड आई विश इट ऑल द बेस्ट एंड लेट्स सी हाउ गुड इट गोज। देखिए आप यहाँ वहाँ मतलब पूरे फिल्म के बारे में क्या कहेंगे, थर्ड मई को रिलीज होने वाली है,
गुड कास्ट सनी सर इज देयर वर्किंग विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है इस फिल्म में आई एम प्लेइंग अ कॉप एंड आई गॉट टू डू एक्शन इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई प्लेड बिफोर सो फॉर मी इट वाज एन एब्सोल्यूट यस व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट इट्स प्लीजिंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स नॉट मी एंड आई थिंक पीपल आर रियली गोना लाइक इट द कॉन्सेप्ट इज वेरी नाइस इट्स अबाउट टेररिज्म इट्स अबाउट अ गाय हूज इज कॉल्ड बट ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग सो द एंटायर ट्विस्ट इज वेदर ही रिमेंबर्स ऑर नॉट सो तो और मेरा कैरेक्टर जो है मोस्टली मेरे सारे सीन सनी सर के साथ है सो आई एम हिज जूनियर आई रिपोर्ट टू हिम इट वाज लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हिम इनिशियली आई वाज लिटिल नर्वस बट इन द एंड वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम हम लोगों ने लिटरली पसीना बहाया है मैंने लिटरली पिक्चर हम जब शूट करते हैं तो पता नहीं चलता है क्या हो रहा है इतना कमोशन और इतनी मैडनेस रहती है अब जाके जब रिलीज होने पे आया है जो ट्रेलर का रिस्पांस मिला है उसके लिए हमें बहुत बहुत ऑडियंस का हम शुक्रिया अदा करना चाहिए सच बोलना नो इट फील्स ग्रेट मैंने ट्रेलर लॉन्च पे भी कहा था कि ढाई साल से जुड़ा हूँ मैं इस प्रोजेक्ट से तो नाउ दैट इज़ फाइनली कंप्लीटेड और आप सब ने देखा है एंड द रिस्पॉन्स दैट वी ब्रॉट इन टू द ट्रेलर हैज़ बीन अमेजिंग तो आई एम वेरी एक्साइटेड नर्वस थोड़ा हूँ बट मोर एक्साइटेड देन नर्वस फॉर श्योर आई वॉज मोर नर्वस एक्चुअली आई हैव सेड दैट देन कॉन्फिडेंट बिकॉज इतने सीजनड और एक्सपीरियंसड एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर अ लिटिल इंटिमिडेटेड पर जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया मैं और यू नो वंस यू स्टार्ट देन यू सॉर्ट ऑफ गेट यू नो इनटू द मोशन ऑफ थिंग्स तो इजियर हो जाता है सो डिड सनी जी मेंटोर यू फॉर द फिल्म एनी टिप्स एनी गाइडेंस नो डेफिनेटली आई डोंट नो अबाउट हिम मेंटोरिंग मी बट ही डेफिनेटली गेव मी सम इनक्रेडिबल एडवाइस उन्होंने हमेशा मुझे काम रहने कहा और whenever I used to get like worked up or like nervous about anything he just calmed me down and he told me to just take my time with it so bahut hi useful advice di mujhe and I will remember it for the rest of my career the conversations I had with him I can't discuss everything in detail but yeah Ishita what has been your experience now film is just due for release you're celebrating the successful completion of the film what do you have to say when I got to know about the script and I spoke to Vishal and he told me this is the character I was super excited firstly I've always played roles which are very girl next door so for me ye ek bahut hi alag character tha I got to do action humne khoon paseena bahaya hai I have done both and I did a lot of actions it was fun I really enjoyed working with the entire team especially both the Karans and Sunny sir of course mostly most of my scenes are with Sunny sir I got to learn a lot from him that's why she signed the film ke main sirf Karans ke sath kaam karunga aur jin Karan effect aur Sunny sir ke sath bhi kaam kar rahe bole kyunki aapke bete ka naam Karan hai isliye and literally khoon paseena matlab khoon to bah raha hai paseena to abhi bhi beh raha hai hamara because hum thode se I mean honestly agar aap pucho to ek excitement ke sath jo nervousness abhi ja ke nikalti hai jab shoot kar rahe hote hain वैसे करण ने ये नहीं बताया कि मैंने एडवाइस क्या दिया था इसे यू नो मेरे बारे में तो तूने बताया नहीं इसने मुझे फिजिकल एडवाइस दिया कि जब भी कोई आपको फेक पंच कर रहा है तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए कि जब हमारा पहला एक्शन सीक्वेंस था देयर वाज अ लिटिल मिसजजमेंट एंड आई गॉट पंच्ड फॉर रियल तो उसके लिए मैं अभी भी मैं उस दिन मैंने सोचा था कि पैकअप होने वाला है ऑनेस्टली बट ही इज अ ग्रेट स्पॉट और मैंने उसको हमेशा बोला था कि बॉस डोंट डू योर ओन स्टंट्स अगर तुझे लगता है डेंजरस है जो आप ट्रेलर में सीक्वेंस देखते हैं जब सनी सर इसे पंच मारते हैं और जो वो पत्थर पे गिरता है लिटरली फेस डाउन गिरा है सो हैट्स ऑफ टू देम I think a lot of most of the actions you have not only that everyone is amazing everyone's done their own yeah. I think that's what's incredible isse to apne haath kaat liye the hai na ha but not during action but anyway sab aage badh kar aapko promote kar rahe kuch khas tarah pe advice bhi di unhone ya नहीं दे जस्ट टोल्ड मी कि गिव इट योर बेस्ट और एडवाइस तो मतलब दे टोल्ड मी दैट इट्स गोइंग टू बी हार्ड और यू नो यू हैव टू बी सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट विद वॉट एवर यू डू बट जब भी उन्होंने फिल्म देखा जो भी कुछ रशेज पूरी फिल्म तो देखी नहीं है
आई थिंक दे वर ऑल्सो मोर कॉन्फिडेंट इन वॉट आई हैव डन. सो दे जस्ट टोल्ड मी कि जो कर रहे हो वही करते रहो और काम आते रहेगा. होपफुली टच वुड. ओके अक्षय सर, आई हैव ऑल्सो डन एन स्पेशल सॉन्ग इन द मूवी एंड यू हैव ऑल्सो पोस्टेड इट. वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? नो, बट द सॉन्ग इज गोइंग टू बी आउट रियली सून. मतलब ये महीने में आने वाला है गाना. सो आप लोग देख सकते हो. अभी मैं कुछ खराब नहीं करना चाहता सॉन्ग के बारे में. नहीं नहीं, आई सेड दिस ऑन द ट्रेलर लॉन्च ऑल्सो. आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि यंग एक्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में. बहुत सारे स्टोरीज है और स्क्रिप्ट है दैट डिजर्व टू बी मेड एंड वी नीड एक्टर्स टू प्ले दोज पार्ट्स. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. कॉम्पिटिशन इज हेल्दी. इट कीप्स अस गोइंग. इट ड्राइव्स अस टू डू बेटर. सो आई थिंक इट्स ओनली गुड फॉर आवर इंडस्ट्री दैट यू नो वी हैव न्यू एक्टर्स कमिंग थ्रू. We are really happy with it. Thank you for the great hospitality and goes forward. It's amazing. I was in fact thinking that maybe after this we can go and sing a little because we'll join him. I can definitely join and sing. It's really nice. Yeah, I love karaoke. So yeah, thank you for having us here. No, it's my first time here. I really like the place. I'm definitely going to come back with my friends. Hopefully when I don't wear a jacket and I'm not sweating profusely. But yeah, I'm definitely going to come back here soon. Yeah, I just want to say that you should vote only if you're 100% confident. I see a lot of people jo kehte hai ki you know main isko vote dunga usko vote dunga, but you know it's they say it's the lesser of two evils or whatever. But you should be educated in terms of who you're voting for, and you know there's no pressure. I think it's as much a part of democracy to not vote as it is to vote. So if you are voting, be confident about who you're voting for. Yeah. And yeah, that's about all I'd like to say. I think the same what he said, that it's I feel it's very important. It's very easy to sit at home and complain about ki ye nahi hota wo nahi hota, but as citizens it's a responsibility to go and vote. I do that every year, and of course when you're doing that please research, think about it and make the right choice. On voting, अरे यार वोट करना चाहिए. उठो, टाइम निकालो, 10 मिनट लगते हैं. इट्स सुपर ऑर्गेनाइज्ड और आप लोग अपना डिसीजन करो. गूगल आपके फिंगर टिप्स पे है, आपकी गवर्नमेंट आपके सामने है, आगे 5 साल में क्या होने वाला है आपके सामने है. अगर अच्छा आपको कुछ चाहिए तो बॉस गेट अप एंड स्टार्ट वोटिंग. दैट्स इट. थैंक यू गाइस. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन इट. थैंक यू. What is growth? I mean, it depends who you ask really. So I would really not like to. I am not actually, to be honest, I am not politically inclined one bit. Main bilkul politics follow nahi karta because I don't think that I can sort of add anything to this debate because I'm not educated enough to talk about it. So I am not following politics at all to be able to comment. Thank you.